इंडिया न्यूज। नमस्कार, आपको अपने चैनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान से संबंध रखने वाले और भारत में काफी मशहूर शख्स पठान भाई के बारे में। कौन है पठान भाई और क्या है पठान भाई का असली नाम? क्या हुआ है पठान भाई के साथ जो अब वीडियो नहीं बनाते हैं? क्या करते हैं पठान भाई अब और क्यों दुखी है भारतीयों से? इन सभी सवालों का जवाब खोज लाए हैं हम आपके लिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। आप जरूर पठान भाई के बारे में थोड़ी बहुत जानते होंगे। अगर फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप चलाते होंगे, उनका कई वीडियो इन सोशल साइटों पर वायरल रहा है। अगर आप पठान भाई नाम से अभी तक परिचित नहीं हैं, तो पता नहीं आप किस दुनिया में जी रहे हैं। चलिए हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं पठान भाई के बारे में। पठान भाई वो शख्स हैं जो यूट्यूब पर बहुत ही कम समय में पॉपुलर होने वाले व्यक्तियों में से एक हैं, खासतौर से भारत और पाकिस्तान में, जिसे इंडियन लोग बहुत प्यार करते हैं और उनके वीडियो का इंतजार करते हैं। वहीं पाकिस्तानी लोग उनसे नफरत करते हैं और उनके सर पर 30 लाख रुपए तक का इनाम रखते हैं। फिर भी नफरत करने वाले लोगों के बीच भी उतने ही पॉपुलर है पठान भाई जितने प्यार करने वाले के बीच। बस अंतर इतना है कि कहीं प्यार है तो कहीं नफरत। पठान भाई अक्सर अपने वीडियो में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जमकर खिंचाई करते हैं। सही अर्थों में कहे तो पाकिस्तान को और वहाँ के आवाम को सच्चाई का आईना दिखाते हैं। पाकिस्तान का आवाम उसको पॉजिटिव वे में न लेकर उसे नेगेटिव लेती है और पठान भाई के सर पर 30 लाख तक के इनाम की घोषणा कर देती है। इसके बावजूद पठान भाई पाकिस्तान से तनिक भी नहीं डरते हैं और पठान भाई भारत के प्रति अपना प्यार समय समय पर वीडियो में दिखाते रहते हैं। खासकर मोदी जी के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं और जमकर सराहना करते हैं, जिससे भारतीय भी पठान भाई को जमकर सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं। पठान भाई पाकिस्तान द्वारा संचालित भारत और अफगानिस्तान में किए गए हमलों को लेकर और पाकिस्तान की गलत नीतियों को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं और पठानकोट जैसे हमलों की भर्त्सना करते हैं। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो या अभिनंदन वर्धमान का मामला, जमकर सपोर्ट करते हैं भारत का। पाकिस्तान के साथ भारत द्वारा व्यापार को बंद किए जाने को भी सपोर्ट करते हैं। वह उसे टमाटर से किया गया सर्जिकल स्ट्राइक करार देते हैं। वह चाहते हैं कि हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक होते रहना चाहिए, वह स्ट्राइक टमाटर से ही क्यों न किया गया हो। पठान भाई का सबसे बड़ा हथियार उनका हंसी है, जो वह पाकिस्तान की आलोचना करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। हर एक बात कहने के बाद जोर जोर से हंसना पठान भाई का खासियत है, जो पाकिस्तानियों के लिए किसी एटम बम से कम नहीं होता। जो पाकिस्तानी लोगों को उनका वीडियो देखने के समय एटम बम को झेलना पड़ता है, यही चीज पाकिस्तानियों को नगवार गुजरती है। और पाकिस्तानी तरह तरह के हथकंडों के साथ पठान भाई को चुप कराना चाहते हैं और वही पठान भाई लाखों धमकियां मिलने के बाद भी एटम बम की बरसात करते ही रहते हैं, जिसे भारतीय बड़े चाव में मजे लेकर देखते रहते हैं। पठान भाई का असली नाम मुख्तार अहमद मजीदी है। उनका जन्म अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में हुआ है, जो प्राचीन काल में गंधार नाम से जाना जाता था, जहां की दुर्योधन की मां गंधारी थी। अभी पठान भाई तुर्की के शहर इस्तांबुल में रहते हैं। घर में माता पिता जी, बहन और एक बड़ा भाई है। अभी तक पठान भाई कुंवारे हैं और अपने देश से काफी प्यार करते हैं और हर शख्स को करना भी चाहिए अपने देश से प्यार। पठान भाई एक्टिंग, म्यूजिक और ब्लॉगिंग में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, साथ ही एक मीडिया कंपनी के साथ जुड़कर काम भी करते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से पठान भाई अपना वीडियो बनाना छोड़ चुके हैं और उनका कहीं भी कोई अता पता नहीं है, जिसको लेकर उनके चाहने वालों के बीच काफी भ्रामक स्थिति बनी हुई है, खासकर भारतीयों के मन में। आखिर क्या हुआ पठान भाई के साथ? कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई या कहीं पाकिस्तानियों ने कुछ कर तो नहीं दिया? लेकिन पठान भाई ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि वह सुरक्षित है और मजे में है। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कुछ अरसे से आप लोगों को पता है कि मैं वीडियोस नहीं बना रहा या फिर मैं लाइव भी नहीं आ रहा, मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, बिजी हूं थोड़े काम में। सबसे पहले तो म्यूजिक फील्ड में अभी गया हूं मैं, और म्यूजिक फील्ड में कुछ सीखना चाहता हूं, वो क्लासेस ले रहा हूं, ऊपर से जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब की भी बहुत सारी मसरूफियात है, उसमें भी बिजी हूँ। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि यार वीडियो नहीं बना रहा, कोई कह रहा है वो सब। मैं तो ये जो इंडियन यहाँ पे भाई आके जो जो कुछ लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में या कुछ भी कह रहे हैं, वो मैं सब देख रहा हूं, पर मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे रहा। कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे आके कमेंट कर रहे हैं और या वीडियोज बना रहे हैं कि पठान भाई आईएसआई से डर के भाग गया है, या हमारी आईएसआई ने पठान भाई को बड़ी धमकियां लगाई है। और तो भाई इन सब बातों का मैं एक ही जवाब दूंगा कि तुम्हारे आईएसआई की मां का भोसड़ा।
तुम भी गधे की पैदावार हो, तुम्हारी आईएसआई भी गधे की पैदावार है। तुम्हारा देश बना ही गधों का देश है, गधे रहते हैं तुम्हारे देश के अंदर, बनाया गधों ने है और चला भी गधे रहे हैं। तुम्हारे आईएसआई की क्या मजाल है भाई कि वो किसी को कुछ कह सके। लानत है यार तुम्हारे आईएसआई पे, लानत है तुम्हारे आईएसआई पे, तुम्हारी सेना पे लानत है, तुम्हारे ये कटोरा खान पे लानत है। हजार बार कह चुका हूं, लाखों बार कह चुका हूं यार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार? ये मैं ये लोग चाहते हैं, पाकिस्तानी लोग यही चाहते हैं कि मैं रोजाना आऊं और इनकी माँ बहन पे चढ़ जाऊं। अगर मैं इनकी माँ बहन पे नहीं चढ़ूंगा तो इनको सुकून नहीं मिलेगा। उल्टी सीधी बातें लिखेंगे, आईएसआई ने डरा दिया, ये इसने ये कर दिया। तेरे आईएसआई की मजाल फोसड़ी के, तेरे आईएसआई की मजाल, तू बदमाश होगा तू अपने देश के अंदर। जिस दिन देश से बाहर निकलेगा ना, हवा बंद हो जाएगी तेरी। मेरे को इनके कमेंट्स पढ़ के बड़ी हंसी आती है भाई, क्या भाई इसको डरा दिया आईएसआई ने, ये कर दिया वो कर दिया। चलो बहरहाल जो भी है, आप लोगों को समझा दिया मैंने कि बात दरअसल ऐसी है कि मैं बिजी हूं और जो जो कंटेंट या जो वीडियोस मैं पहले बना रहा था उससे थोड़ा दूर हट गया हूं, मैं थोड़ा एक दो कदम पीछे हट गया हूं। बहुत सारे लोग कहते थे कि यार इससे नफरत फैलती है, बहुत सारे इंडियन भी मुझे कहते थे, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी तो भोंकते थे, वो कहते नहीं थे, लेकिन इंडियन भी, तो मैं एक दो कदम पीछे हट गया हूं। अब जब पीछे हटा हूं, अब जब पीछे हटा हूं तो भाई पाकिस्तानी भी बोंक रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं कि भाई आईएसआई से डर के भाग गया, ये कर दिया। तो भाई इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो फिर रोज इसी तरह आके फिर तुम्हारे सबके ऊपर छड़ूंगा, फिर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मसला फिर से खड़ा हो जाएगा। मुझे मत ललकारो, मुझे ललकारो मत, और मैं जो काम अभी कर रहा हूं मुझे वो काम करने दो। तुम्हारे आईएसआई की माँ का भोसड़ा के वो मेरे को धमकाएगा, बहन चोद पहले से अटक खट्टा हो चुका हूँ, ये देखो बॉडी बड़ी हो गई है, तो बहन चोद तेरा ऐसा है कि मजाल है जो इधर आए। जय हिंद और जय हो अफगानिस्तान की, और लानत हो पाकिस्तानियों, मरते दम तक तुम लोगों पे लानत हो, तुम्हारी मौलवी पे लानत, तुम्हारे मदरसे पे लानत, तुम्हारी जात पे लानत, कुत्ते की नस्ल। मुझे उम्मीद है बताई गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो में कौन सा भाग या क्या चीज़ अच्छा लगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज़।